हम वाक्य के भेद के संबंध में इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के चार भेद पढ़ चुके हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। आज हम पांचवा भेद इच्छावाचक वाक्य पढ़ेंगे। जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर आशीर्वाद है, एक इच्छा का भाव भी प्रकट हो रहा है कि ईश्वर आशीर्वाद दे रहा है कि ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस कारण यहाँ इच्छावाचक वाक्य। इसका छठा भेद है विस्मय आदि पूर्ववाचक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें भाव प्रकट होने के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगा होता है, इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे अहा, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है, यहाँ पर वो प्रसन्नता का भाव, आश्चर्य का भाव दिखा रहा है कि अरे वाह, ये पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम।